नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और आपके साथ में हूँ नितीशा। उत्तराखंड में राज्य सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पौड़ी में जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय श्रमदान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अभियान के चलते कई स्कूलों के बच्चों को प्लास्टिक एकत्र करना है और जो स्कूल सबसे ज्यादा प्लास्टिक को एकत्र करेगा उसे पहला इनाम दिया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जिला प्रशासन बच्चों को सम्मानित करते हुए 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार देगा। इस मामले में जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने बताया कि बच्चों को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम से जोड़ते हुए जनपद में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद बच्चों में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से अवगत कराना है। 2 अक्टूबर को श्रमदान होगा पूरे जनपद में और नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ पे आचार संहिता नहीं लगी है उसमें समस्त लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि तो होंगे, साथ में स्टूडेंट्स होंगे, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के होंगे, पुलिस के कर्मचारी होंगे। तो पूरे जनपद में हमारे जितने भी लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर वृहद रूप से हम एक श्रमदान करेंगे। और आज की मीटिंग में हमारे जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन लोगों को बुलाया गया था, प्रिंसिपल्स को भी बुलाया गया था। हमारे जनपद में जैसे 1800 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 366 के करीब हमारे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल्स हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि के उस कोण से देखेंगे आप संख्या के उससे तो लगभग 1,00,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2 तारीख को। तो 2 तारीख के अलावा कल से 1 तारीख तक हम लगातार एक अभियान यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट इस स्वच्छता के अभियान में प्रतिभाग करें। और जो स्कूल प्रथम आएगा, जो कूड़ा ज़्यादा कलेक्ट करेगा, उसके लिए हमने इनाम की भी व्यवस्था की है और 25,000 की धनराशि हम पहले स्कूल को देंगे जो ज़्यादा कूड़ा कलेक्ट करेगा, 15,000 पे दूसरे को और 10,000 तीसरे स्थान पे आने वाले। और साथ ही साथ 30 तारीख को जनपद स्तरीय एक पेंटिंग और ड्राइंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई है जो GIC आपके पौड़ी में होगी, तो उसमें भी हम स्वच्छता की ओर से पुरस्कार राशि दे रहे हैं।